स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का मरहला। पीटीआई ने डिप्टी स्पीकर का भी मैदान मान लिया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर बन गए। स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर भी हमारा। नून लीग से पंजाब छिन गया। हुकूमत से बाहर रहने वाले ऑपोजिशन नहीं कर सकते। नून लीग का वोट बैंक सबने देख लिया। वजीर आला पंजाब का कल शाम तक ऐलान हो जाएगा। रहनुमा पीटीआई अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई ने हमारे छाबे में हाथ मारा। वफाक की तरह पंजाब में भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई। जहाज और एटीएम मशीनों के जरिए अरकान को खरीदा गया। तरीके इंसाफ नए पाकिस्तान की टेढ़ी बुनियाद रख रही है। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। हजारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। शहबाज शरीफ घंटा घर बने रहे, उनके साहबजादे उन्हें आज ये पंजाब असेंबली में ले आए हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे। ख्वाजा साद रफीक एक सीनियर सियासी कारकुन था और लीडर ऑफ दी अपोजिशन उनका हक था। और पीटीआई पंजाब में अपोजिशन का मुकाबला अवामी खिदमत से करेगी। हम मेंबरान पंजाब असेंबली को फंड्स नहीं देंगे, लोकल गवर्नमेंट के जरिए तरक्याती काम करवाएंगे। नून लीग ने पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन बेंचों का इंतखाब करके शिकस्त तस्लीम कर ली। मियां महमूद रशीद का ख्वाजा साद के बयान पर रद्द अमल।